हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवानी स्टडी हब में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे की बातें करते हैं। तो हमने रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पहला चैप्टर एनालॉजी, सादृश्यता, उसको हमने कवर कर लिया था। हम नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण देख रहे थे। वर्गीकरण में हमारा एक वीडियो जा चुका है। ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। और क्लासिफिकेशन में कल हमने देखा था वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द वर्गीकरण। आज हम देखेंगे नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन सब टॉपिक से हमारे हर एग्ज़ाम में बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, हर एग्ज़ाम में कम से कम एक दो प्रश्न आते भी हैं, उससे तीन चार भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन ना आया हो, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 13, 17, 63 एंड 71। तो ये चारों ऑप्शन में तीन एक जैसे होंगे और एक जो है वो अलग होगा, यानी असामान्य होगा, असंगत होगा, जो अलग होगा। तो आप लोग अपनी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सोचिए कि इसमें क्या अलग हो सकता है। देखिए ये बहुत इजी है, इसके आगे भी क्वेश्चन मिक्स हैं, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, सब है। तो 13 आपको दिख रहा होगा कि ये एक प्राइम नंबर है। 17 भी आपका प्राइम नंबर है। अगर किसी को नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होता है तो मैं बता देती हूँ कि प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से डिवाइड होती है या वन से, ठीक है। अब 13 को देखिए, 13 का कोई मल्टीपल नहीं है, 13 या तो खुद 13 के टेबल से डिवाइड होगा या तो वन से डिवाइड होगा, ठीक है। 71 ये देखेंगे तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। 71 भी खुद से, अन्यथा सिर्फ वन से ही डिवाइड होगा। आप ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगी, 63, तो 63 के बहुत से मल्टीपल हो जाएंगे। 63 के 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा और आपका 63 भी होगा, ठीक है। तो कितने सारे मल्टीपल हो गए और होने कितने चाहिए प्राइम नंबर के हिसाब से, या तो 1 या तो 63। लेकिन आपके दो और मल्टी फैक्टर्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो 63 है वो आपका इसमें सबसे अलग है, जो किसी भी बाकी के तीन से मैच नहीं करता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन 125, फिर 64 और 216। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये हर नंबर किसी न किसी का क्यूब है। आप अगर 25 का देखें तो ये 5 का क्यूब है, 64 को देखें तो ये 4 का क्यूब है, 216 को देखें तो ये आपका 6 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। मतलब ये तीन जो हैं ये आपके किसी न किसी नंबर का क्यूब, घन दिया हुआ है। 20 क्या किसी का घन है? 20 किसी का घन है? बिल्कुल नहीं, 20 ना घन है ना स्क्वायर है। तो आपका असंगत यानी क्लास वर्गीकरण में कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20, क्योंकि ये बाकियों के तीन से अलग है, असंगत है। और हमें छांटना क्या होता है? असंगत ही हमें छाटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर है हमारा 8537345532751। इसमें भी कोई लॉजिक लगा होगा, आप देखिए लॉजिक इसमें ये लगा है कि 853, देखिए अगर हम 8 में से 3 को माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 में से अगर 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया। सेकंड में चेक करते हैं 734, 7 में से अगर 4 माइनस कर दें तो क्या 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 532, थर्ड ऑप्शन हमारा 532, 5 में से अगर 2 माइनस कर दें तो ऑप्शन सॉरी 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फोर्थ पे देखते हैं 751, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 की जगह आपको 6 हो दिया होता तो ये भी 4 के चारों ऑप्शन सही होते, लेकिन इसमें आपको असंगत खोजना है। तो बाकी देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन पे जो लॉजिक लगा है वो एकदम सेम लगा है, और फोर्थ पे वो लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा अलग है, असंगत है बाकी तीन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी 751। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में 25, 37, 49 और ये 57 कहते हैं ना 57 को। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए आप लोग, ये 25, ये 49, ये और ये 25, देखिए किसी से कट रहा है तो 25 आपका 5 से कट जाता है, ठीक है। 49 आपका 7 से कट जाता है, 57 कटता है, 57 आपका 19 से कट जाता है, यानी ये पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन किसी न किसी नंबर से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं यानी कट जाते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है 37, ये एक प्राइम नंबर है, और ये ऐसा प्राइम नंबर है जो किसी से भी नहीं कटता, ठीक है। 37 किसी के टेबल में नहीं आता, बाकी सारे नंबर्स हमारे कट रहे हैं, लेकिन सिर्फ 37 ही एक ऐसा नंबर इसमें दिया है जो कि किसी से भी नहीं कट रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इस टू में दिया हुआ है, ये इस टू मतलब रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको करके देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं 15:5, 42:4, 32:2, 36:6। अगर ये देखें तो 5 1 जा और ये गया आपका 3 जा, 2 ये गया आपका 16 टाइम्स, 6 ये गया आपका 6 टाइम्स। क्या ये 42 4 से कटेगा, नहीं, ये 42 जो है 4 से नहीं कट रहा, यानी देखिए अब बाकी के जो भी रेशियो हुए हैं, बाकी के जो भी रेशियो थे वो अपने आप को काट रहे थे, लेकिन जो 42 है ऑप्शन नंबर बी वो 4 से नहीं कट रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा देखिए रेशियो में ही मैंने दिया है, इस टू में दिया है 54:62। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें देखिए चलिए वही लॉजिक सेम लगा के देखते हैं, कुछ वो तो नहीं लगेगा, डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इसको देखें तो किससे जाएगा, 47 जा जाएगा, 48 जा जाएगा, ठीक है। 21 और 24, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो ये 27 जा गया, ये सॉरी 37 जा गया और ये 38 जा। 14 और 16 को देखें तो 27 जा और ये 28 जा, यानी इन तीनों को हमने काटा
तो 7:8 आंसर आ रहा है। अब 28 सॉरी कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन 54:62 को अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 7 जा 2 3 जा 1 जा, ये हमारा रेशियो हो जा रहा है। बाकी तीन का रेशियो हमारा 7:8 आया है और सिर्फ एक का 27:31 आया है, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, सबसे अलग सबसे असंगत कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा 54:62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, 49, 21 एंड 36, ये कैसे डिफरेंट हैं, तो आप देखें कि ये तीन, हाँ ये देखिए कि 91 डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है हो रहा है एकदम, आप लोग खुद करके देख लीजिए हो जाएगा कितने, अच्छा चलिए मैं करके बता दे रही हूँ, 7 जाएगा यहाँ पे 1 जा और 3 जा, 13 टाइम्स अगर चला जाएगा 7 से, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, इसको करेंगे 7 से तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, इसको करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि बाकी ऊपर के तीन जो हैं वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो ही असंगत कहलाएगा और वही हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 191, 193, 197, 195, तो देखिए इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, तो लॉजिक जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है, तो 191 हमारा प्राइम नंबर है तो हाँ है, 193 ये भी है, 197 ये भी, और 195 ये नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 195 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मैंने क्या कहा था कि प्राइम नंबर या तो अपने से कटते हैं या स्वयं से कटेंगे या फिर सिर्फ 1 से कटेंगे, इसके मल्टीपल 1 और 195 के अलावा और भी मल्टीपल हैं, बाकी ऊपर के तीन जो ऑप्शंस हैं वो आपके प्राइम हैं, लेकिन आपका लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपका नॉन प्राइम है, मतलब कि प्राइम नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 8th का ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th ये आया है कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो ये देखिए क्या है, ये 360, 224, 196, 528, हाँ अगर आपको सही से देखें तो अगर सबों में प्लस वन कर दें, अगर इसे प्लस वन करें तो 361, इसमें प्लस वन करें तो 225, इसमें प्लस वन करें तो 529, ठीक है यही ना होगा, अब देखिए 361 आपको मैंने कहा था स्क्वायर याद करने के लिए, अगर नहीं याद है तो आप लोग कर लीजिएगा, 361 देखा जाए तो किसका स्क्वायर है आपका, 19 का स्क्वायर है, और 225 देखा जाए तो ये आपका 15 का स्क्वायर है, 529 देखा जाए तो ये आपका 23 का स्क्वायर है, यानी ऑप्शन ए बी और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन कब स्क्वायर है, जब उसमें प्लस वन कर रहे हैं, और आपका फोर्थ ऑप्शन जो है, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन, इसमें प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये खुद 14 का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी सबने हमने एक एक प्लस कर दिया अगर तो वो किसी न किसी शब्द किसी न किसी अक्षर का स्क्वायर बन गया, लेकिन इसमें बिना प्लस किए ही स्क्वायर दिया है तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा संगत, तो वो होगा हमारा 9th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन हमारा 441, अच्छा चलिए तो ये है हमारा 441, अगर आप ध्यान से देखिए तो
रुकिए पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ, 384 600 393। फोर को अगर वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बीच वाला फोर आ जाएगा, हाँ, क्योंकि 4 × 1 4, 4 × 1 = 4, ठीक है। अगर हम इसे करें, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले अक्षर को तीसरे अक्षर से अगर हम गुणा करते हैं तो बीच वाला अक्षर हमें मिलता है, ठीक है। 6 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये मत कहिएगा आप लोग 6 आएगा, नहीं, 6 से किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो पहले और आखिरी अक्षर को जब हम गुणा करते हैं तो बीच वाला अक्षर हमें मिलता है। ये तीनों ऑप्शन में मिला है, चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं तो 4 × 3 = क्या होता है, 12। हमारा बीच में 12 नहीं दिया है, 8 दिया है, यानी ये गलत है। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, असंगत अक्षर होगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा, देखिए ये कटेगा, 210 14, अगर इसको काटें तो ये हो जाएगा 15 बारी में ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 276 116 को अगर कट करें तो ये आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है, पूरा पूरा ये नहीं कट रहा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 156 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 13 टाइम्स में कट हो जाएगा। 240 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा लगभग 16 बार में ये कट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये कटेगा, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, सीधा सीधा कट टू कट पूरा नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला कट रहा है, दूसरा भी और तीसरा, सॉरी पहला तीसरा और चौथा कट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, फुली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 11 168 11 नहीं होना चाहिए ये, नहीं रुके मैं मिसप्रिंट देख लेती हूँ, मिसप्रिंट है यहाँ कुछ, ये यहाँ पे 2 है, ये 21 है और 168, मैं यहाँ लिख देती हूँ 21:168, 14:112, 11:122, 18:144, ठीक है, ठीक है। तो 121 से 168 को डिवाइड किया जा सकता है, तो हाँ ये 8 टाइम्स डिवाइड हो सकता है। 121 का टेबल अगर हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 168 आता है, बिल्कुल सही। 14 को अगर हम इस डिवाइड करें 14 के टेबल में 8 टाइम्स, 14 × 8 = 112 हमारा आता है। 18 और 144 18 मल्टीप्लाई 18, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 टाइम्स में हमारा 144 आता है। यानी ये देखिए, तीन ऑप्शंस में हमारे डिवाइड करने पे 8 8 8 आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 11 8 अगर हम देखें तो कितना है, 88। अगर यहाँ पे 122 की जगह 88 होता तो ये हमारा सही आंसर होता, मतलब ये भी सही होता, तब कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 122 दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा सबसे असंगत, सबसे अलग ऑप्शन है जो बाकी तीन से मैच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, 31 देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ उतना ही इजी होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, 31640 अगर हम इसको प्लस करके देखें तो क्या होगा, 31 3 1 6 4 0, ये सबको अगर हम प्लस कर दें, 3 1 4 6 4 10 10 4 14 0, ये हो गया हमारा 14, 7
एक सात पाँच दो पाँच, अगर हम इससे प्लस करें तो क्या होगा, ये सबको प्लस करें तो अठारह होगा यहाँ पे, अठारह डिवाइड तीन, ठीक है, एक सेकंड डिवाइड नहीं करेंगे, भी डिवाइड तो किया नहीं हमने, हाँ 18, फिर क्या है 1 + 3 + 2 + 1 + 2, यानी ये हो गया हमारा 2 2 4 4 3 7 2 9, ये हो गया हमारा 9, फिर 2 + 6 + 8 + 5 + 3, ये हो गया हमारा 8 2 10 10 20 18 24 24, ठीक है, ये हो गया हमारा 24। तो देखिए ये 9, ये 18 और ये 24, ये सब हमारे 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन क्या 14 आता है, नहीं 14 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये तीन ऑप्शंस हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, ये मुझे लगा था कि 13 से ही होगा, सॉरी 3 से ही डिवाइड होगा, इसलिए मैंने पहले ही 3 कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 11 121 13 41, हाँ तो इसमें क्या है, देखिए 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121, अगर 11 का ही हम क्यूब करेंगे तो ये 131 नहीं आ रहा है, चलिए दूसरा देखते हैं, 13 169 2197, 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब, ठीक है 13 का क्या दिया है, स्क्वायर है और ये है 13 का क्यूब, ये बिल्कुल ये 13 का क्यूब यही होता है 2197, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब क्या होता है 1728, ये भी सही है, फिर 17 का 289, ये है 17 का स्क्वायर और 17 का क्यूब जो है वो है 4913, ये भी सही है, यानी ये देखिए आप पे तो ये 13 का क्यूब है लास्ट में दिया है, 12 का क्यूब लास्ट में दिया है और 17 का क्यूब लास्ट में दिया है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमारा 11 का स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन 11 का क्यूब नहीं दिया हुआ है, ठीक है 11 का हमारा क्यूब नहीं दिया हुआ है, सब में सबका स्क्वायर दिया हुआ है फिर उसका क्यूब दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में हमारा न स्क्वायर तो दिया है लेकिन क्यूब नहीं दिया, इसीलिए ये हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, इसलिए यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारे क्वेश्चन यही खत्म हो गए, थैंक यू सो मच, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, थैंक यू बाय।